रविवार को यूपी कांग्रेस ने संभल कूच का ऐलान किया था, लेकिन सोमवार की सुबह संभल की ओर कदम बढ़ाने से पहले ही पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं को उनके दरवाजों पर ही रोक लिया, जिसके बाद लखनऊ में ही कांग्रेस दफ्तर के गेट पर हंगामा शुरू हो गया। हालांकि अजय राय काफिला लेकर संभल जाने के लिए अड़े रहे, समर्थकों के साथ गाड़ी में सवार हो गए। ये कहते हुए भले ही संभल ना पहुंचे, लेकिन घर से गाड़ी निकल गई तो जहां तक जा सकती है जरूर जाएगी। निकल रहे हैं आगे, जहां तक अब चलेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे जब प्रतिबंध हटेगा तब जाएंगे, जाएंगे जरूर, डेंगे की चोट पर जाएंगे। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ रविवार की रात से ही पार्टी दफ्तर में डेरा जमाए हुए थे, लेकिन पहले से तैनात भारी पुलिस फोर्स ने दफ्तर के फाटक, बैरिकेड्स और फोर्स लगाकर कांग्रेस का कारवां आगे बढ़ने नहीं दिया, तो अजय राय वहीं धरने पर बैठ गए। मुझे सुबह इन्होंने लगभग 8:30 बजे के आसपास इन्होंने मुझे नोटिस आके दिया है, हम अकेले जाने दें, मैं अकेले जाने के लिए तैयार हूँ। 163 में तो चार लोगों के से कम तो जा सकते हैं ना, तो मैं अकेले जाने के लिए तैयार हूँ, अकेले जाने दें मुझे। कांग्रेस विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा भी घर से निकलने से पहले ही पुलिस फोर्स से घिर गए। मौके पर मौजूद महिला अधिकारी ने समझाया कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है और अभी संभल में बाहरी लोगों के जाने पर मना ही है, क्योंकि वहां धारा 163 लागू है। आप मुझे अपने घर से बाहर जाने से कैसे रोक? प्रतिनिधि मंडल जो कांग्रेस का जाना चाहता था फैक्ट फाइंडिंग के लिए, शांति की अपील करने के लिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की अध्यक्षता में उस प्रतिनिधि मंडल को इस तरह से बलपूर्वक रोका जा रहा है। हम वहां पर कोई अशांति फैलाने नहीं जा रहे, ये तो पूरी तरह से अराजकता है, गुंडागर्दी है सरकार की। ये तो संभल में लागू है ना, लखनऊ में लागू है। बीजेपी ने कहा संभल पर समाजवादी पार्टी की तरह कांग्रेस भी सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक सांपनाथ है तो एक नागनाथ है। समाज को डसने का काम, हिंदू को मुसलमान से लड़ाने का काम और फिर नौटंकी करने का काम, तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बर्बाद करने का काम किया है। कांग्रेस से पहले समाजवादी पार्टी के सांसद और बड़े नेता भी संभल जाने के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें भी पुलिस ने कांग्रेस की तरह जहां तहां रोक दिया, क्योंकि 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद अब संभल में शांति व्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन नेताओं के दौरे से माहौल बिगड़ने का अंदेशा है।